विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बंटवारा जमीन की सीमाओं का बंटवारा नहीं बल्कि हमारे दिलों और भावनाओं का बंटवारा था। नई पीढ़ियों को आपसी प्यार, भाईचारे और सद्भावना की सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में 200 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचनंद स्मारक ट्रस्ट द्वारा विभाजन विभीषिका में शहीद हुए 10 लाख पूर्वजों का सामूहिक पिंडदान किया गया था, इसके लिए वे पंचनंद स्मारक ट्रस्ट की सराहना करते हैं। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वो बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि जज्जर में एक स्मृति चौक वो बनाया गया है, फतेहाबाद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनद स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अनुमान है कि हमारे 10 लाख पूर्वज उस विभीषिका के शिकार हुए थे, उनका विधिवत संस्कार भी नहीं किया जा सका था। उनकी आत्मा की शांति के लिए पंचनंद ट्रस्ट ने वर्ष 2016 में गया तीर्थ पर शांति के जाकर सामूहिक पिंडदान किया था। उस समय 1450 लोग दिल्ली से ट्रेन से वहां गया तीर्थ में गए थे और अपने सभी पूर्वजों को एक बार में ही पिंडदान करके उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी किया था।